तो दोस्तों हमारी एनिमल मूवी को रिलीज हुए लगभग लगभग एक साल होने वाला है। 2023 का वो 1 दिसंबर का दिन था जिस दिन बॉबी देओल ने तहलका मचाया। बॉबी देओल ने तहलका मचाया अपने कैमियो के जरिए, बट रणवीर कपूर ने तो धमाकों पे धमाके कर डाले अपनी पूरी मूवी के जरिए। फाइनली फिर दोबारा से हमारे बॉबी देओल को, हमारे रणवीर कपूर को और सबसे बड़ी जो पर्सनैलिटी है यानी संदीप रेड्डी वांगा को एक और अवार्ड मिल गया है, और वो हाल ही के दिनों में मिला है। कौन सा अवार्ड है आप लोग सोच रहे होंगे, तो वो अवार्ड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एंड एनिमल, तीनों की तीनों कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज रही हैं। तीनों मूवीज को लेकर लगातार इनका विरोध हुआ है। हर कोई कह रहा है कि किस तरीके अजीब मूवीज बनाते हैं, किस तरह का वायलेंस दिखाते हैं, किस तरह की नफरत फैलाते हैं या फिर महिलाओं का अपमान करते हैं, बट उसके बाद भी जो संदीप रेड्डी वांगा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर ले भी क्यों, क्योंकि तीन मूवी तीनों सुपर डुपर हिट, यानी कि अब तक की तो फ्लॉप होने की कोई बात ही नहीं हुई। उसके अलावा स्प्लिट मूवी आने वाली है प्रभास से रिलेटेड, एनिमल पार्क फिर दोबारा से देखने को मिलने वाली है सेकंड पार्ट, तो उसके बारे में तो कहा जा रहा है इन दोनों मूवीज के बारे में कि ये भी सुपर डुपर हिट है और मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज होने वाली है। ऐसा क्यों है आखिर, क्या करते हैं, क्यों दिखाते हैं संदीप रेड्डी वांगा ऐसा? उनका जो दिमाग है ना एक अलग लेवल का, यानी कि अलग लेवल की कहानी सोचना, यानी कि अलग लेवल की उनकी इंस्पिरेशंस है। जी हाँ दोस्तों, अलग लेवल की उनकी डेस्टिनेशन है और अलग लेवल का उनका माइंडसेट है। इसी वजह से तो इस तरह की मूवीज लाते हैं, बट जब भी वो मूवी लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं यूथ से रिलेट करती है। चाहे वो हम अर्जुन रेड्डी देखें, साउथ के अंदर ही रिलीज हुई थी, बट अर्जुन रेड्डी ने यूथ से कितना रिलेशन देखा था। फिर कबीर सिंह को देखकर तो एक तरह का वो देखने को मिला था कि एक इंसान प्यार में क्या नहीं कर सकता जब वो सच्चा प्यार कर रहा है, माना वो डॉक्टर है या फिर कोई और इंसान है, किसी भी पेशे से आता हो, बट जबरदस्त तरीके से तहलका मचा देता है। और फिर एनिमल, परिवार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, ये एक अलग ही कहानी दिखाई है। चलो मैं बात करता हूँ पहले अवार्ड के बारे में, कौन सा अवार्ड मिला है दोबारा से इन्हें। दोबारा नहीं यार, तिवारा चुवारा ही मिला होगा। आईफा अवार्ड्स चल रहे हैं आप लोग जानते हैं, जिस दौरान संदीप रेड्डी वांका और हमारे बॉबी देओल को बुलाया गया। जी हाँ, बॉबी देओल को क्यों यार, पूरी टीम को बुलाया गया, क्योंकि बॉबी देओल का स्पेशल नाम लेना सही नहीं लगेगा। पूरी टीम को बुलाया गया जिस दौरान बॉबी देओल को नेगेटिव किरदार के लिए आईफा अवार्ड दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और संदीप रेड्डी वांगा को बेस्ट राइटर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। कम से कम 6 अवार्ड मिले हैं, लिरिक्स बेस्ट लिरिक्स को, बेस्ट म्यूजिशियन को, बेस्ट सिंगर अवार्ड अर्जुन वेली को मिला गया है। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त इस पिक्चर को बनाया गया और कितने धड़ल्ले से ये अभी तक सारे के सारे अवार्ड खींचने में लगी हुई है। अच्छा, यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को कि संदीप रेड्डी वांगा किस तरीके से जब अवार्ड मिलता है तो हमारे बॉबी देओल के हाथ में ग्लास थमा देते हैं और उनके सर पे रखते हैं, कहते हैं वही वाला एक बार स्टैप करके दिखा दो, क्योंकि वही तो स्टैप है जिसने तहलका मचाया। और फिर भैया इसको तो कोई भूला ही नहीं है, ये तो भूलने वाला स्टेप भी नहीं है ना, भूलने वाला जो एक्शन सीन्स होते हैं उनको एक बार को आगे पीछे भूल जाता है, आदमी हो जाता है, बट जो इस तरह के सीन्स होते हैं उनको जल्दी से नहीं भुलाया जाता। और खासकर बॉबी देओल पे तो यार ये अलग ही लेवल पे जचा है और ये जचना बनता भी है, जिसके चलते आज तक इनको वो अवार्ड्स कंटिन्यू मिल रहे हैं। एनिमल मूवी है ना, नाम से ही जानवर है। अब सोचो खुद के कितनी बड़े लेवल पर जानवरपंती देखने को मिली है इस पिक्चर में। बट ये तो एनिमल है, एनिमल पार्क आ रहा है भैया, जिसमें जानवरों का झुंड देखने को मिलने वाला है। सोच सकते हो मतलब मैं तो ये कहता हूं कि एक्सपेक्टेशन से ही अलग चली जाती है, बट संदीप रेड्डी वांगा है, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे लोग इनके खिलाफ हो, चाहे संसद में मांग उठ जाए कि इस डायरेक्टर की इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से महिलाओं की भावनाओं को आहत पहुंचाता आया है, हमेशा से वायलेंस दिखाता हुआ आया है, या फिर अपनी पिक्चरों में ये दिखाता है कि किस तरीके से एक पुरुष एक महिला पर हाथ उठाता है। इस तरह की तमाम बातें संसद में उठी, बट उसके बावजूद भी क्या हुआ, फिर तो लोग और ज्यादा देखने चले गए इस मूवी को। क्यों, कैसा क्या दिखाया गया है मूवी के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूवी रही है यार एक अलग लेवल की मूवी रही है। वो कहते हैं ना, साउथ इंडस्ट्री जो है, उनके डायरेक्टर्स हैं या उनके प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास एक सोचने की अलग क्षमता है। कंपैरिजन करें या कंपेयर करें हम बॉलीवुड से, तो ऐसा क्यों है, नॉर्थ वालों के पास एक अलग स्क्रिप्ट चलती है, वो प्यार मोहब्बत में चल रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा एक्शन लेके नहीं आते, वो वही घिसी पिटी सास बहू की कहानियां या फिर वही प्रेमी जोड़े की कहानी बार बार दिखा के पैसा कमाना चाह रहे हैं।
बट साउथ इंडस्ट्री है जो एक प्रो लेवल की सोच रखती है, अलग लेवल की सोच रखती है, चाहे वो उसके अंदर संदीप रेड्डी वांगा हो, चाहे वो उसके अंदर कोई और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो, उनके दिमाग जो है अलग लेवल के हैं, और वो इसी वजह से काफी ज्यादा नॉर्थ के अंदर भी अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते आप लोग जानते ही हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने किस तरह एंट्री करी, फिर प्रभास किस तरह आए, ठीक है, जबरदस्त तरीके से काम करा उन्होंने, अब गोपीचंद मल्ली काम कर रहे हैं सनी देओल के साथ, तो आप खुद सोच सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं, एटली का नाम बिल्कुल लेना चाहिए हमें, जिन्होंने जवान मूवी बनाई, जैसे शाहरुख खान के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया कि हाँ आप आइए, और शाहरुख खान को लेकर इतनी जबरदस्त पिक्चर बना डाली। मतलब एक इंस्पिरेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वालों को साउथ वालों से लेनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, उनके कॉन्टेंट से इंस्पायर होना चाहिए, उनकी स्क्रिप्ट से इंस्पायर होना चाहिए, ठीक है, उनके एक्शन से इंस्पायर होना चाहिए, उनके VFX से इंस्पायर होना चाहिए। ये इंस्पिरेशन बन गई है नॉर्थ वालों के लिए, साउथ वाले इंस्पिरेशन बन गए, उनके पास स्टोरीज है। तब भी आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ के जो कलाकार हैं वो उठ के साउथ में जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप सलमान खान का नाम ले लेते हैं, सलमान खान साहब जो हैं वो काम करने जा रहे हैं, पहले हमारे रजनीकांत के नाम आ रहा था उनके साथ, एटली के साथ ही मूवी करेंगे, बट रजनीकांत हट गए, उसके बाद फिर जो साउथ के एक और सुपरस्टार है उनके साथ नाम आ गया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको नाम बताता नहीं तो। और आप खुद सोचिए कि कितने जबरदस्त तरीके से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो हमारे नॉर्थ वाले एक्टर्स हैं, वो किस तरीके से अब साउथ में अपनी तलाश रहे हैं, जमीन तलाशने में लगे हैं, और ये जमीन तलाश उनकी बनती भी है। बट आप खुद सोचिए यार, संदीप रेड्डी वांगा जैसा बंदा, जिसकी मेंटलिटी अलग है, जिसकी सोच अलग है, जिसकी इंस्पिरेशन अलग है, जिसकी राइटिंग स्किल्स अलग है, जिसका डायरेक्शन अलग है, जिसका म्यूजिक अलग है, वो आता साउथ से है, बट वो म्यूजिक की एक कहते हैं ना समझ रखता है, कौन से हिप हॉप म्यूजिक की समझ रखता है, वो पंजाबी म्यूजिक की समझ रखता है, वो हिंदी लिरिक्स की समझ रखता है, सोच सकते हो आप खुद, वो हिंदी म्यूजिक की समझ रखता है, तो वो बंदा फुल मतलब फुल पैकेज बंदा है, उसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, वो अच्छा लिख सकता है, वो अच्छा सुन सकता है, अच्छा बना सकता है, अच्छे एक्शन सीन्स दे सकता है, अच्छे एक्टर्स को ला सकता है, उसकी कास्टिंग अच्छी होती है, उसका सोचने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है। जब इन सब चीजों को हम देखते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि हाँ, कोई संदीप रेड्डी वांगा जैसा एक बंदा है, और वो इस तरह का तहलका मचाना बॉलीवुड इंडस्ट्री में जानता है, जो कि उन्होंने मचा दिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इतने अवार्ड्स तो मिल ही रहे हैं सनी पाजी के भाई बॉबी देओल को और हमारे संदीप रेड्डी वांगा को, अब ये और आगे जाके कितना बड़ा तहलका मचाते हैं, क्या एनिमल पार्क के अंदर बॉबी देओल को फिर दोबारा से दिखाया जाएगा, क्या इस अबरार को जो मार दिया गया है एनिमल के अंदर, क्या उसे दोबारा से जिंदा करा जाएगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, जो सस्पेंस वैसे भी संदीप रेड्डी वांगा ने शुरू से ही बना रखा था कि अबरार है कौन, किसी को आइडिया नहीं था ये गूंगा बहरा होने वाला है। आप सोशल मीडिया की या फिर यूट्यूब की तमाम वीडियोस देख लीजिए 1 दिसंबर से पहले की, अगर कोई भी एंकर, कोई भी रिपोर्टर, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सोशलिस्ट ये बात कह दे कि भैया बॉबी देओल को उस मूवी के अंदर गूंगा बनाया जा रहा है, और बोल नहीं सकते हैं, वो गूंगा बहरा बनाया जा रहा है, वो बोल नहीं सकते, अगर ये आपको दिखा दिया गया, बता दिया है, तो आप कह देना ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अपने आप में एक सरप्राइज था लोगों के लिए। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये अवार्ड्स तो लगातार जीतने, बट एनिमल पार्क जब मूवी आएगी कितना तहलका मचाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, छोटा मोटा बड़ी बात देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।